Hello and assalamu alaikum. Mera naam Fahad Zaman hai and welcome back to my channel. We are doing a series on studying in Norway. अगर आप मुझे follow कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम पहले Norway के ऊपर एक video बनाई जिसके ऊपर basic information दी, जिसके बाद दूसरी video में मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे अपना लॉगिन बनाना है. ये उस सीरीज़ की तीसरी और लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना वीज़ा कैसे प्रोसेस करना है और आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं. ये सारा काम आप खुद घर पे बैठे अपने लैपटॉप के ऊपर कर सकते हैं. अगर आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया तो ऑब्वियसली आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पहले ही रेडी होंगे. लेकिन आपको फिर एक दफ़ा बता दूँ कि जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वीज़ा प्रोसेस करने से पहले, आपका वैलिड पासपोर्ट, आपकी फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ, ब्लू के साथ नहीं, वाइट बैकग्राउंड, और CNIC. ये आप दुनिया में कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं चाहे वो वीज़ा विजिट का हो, स्टूडेंट हो या जो भी, ये आपके पास होनी चाहिए. उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में स्टूडेंट वीज़ा के लिए सबसे बड़ा अहम डॉक्यूमेंट होता है आपका एडमिशन लेटर जो आपकी यूनिवर्सिटी से आपको मिला होगा. उसके बाद आपके तमाम सर्टिफिकेट्स जो कि सर्टिफाइड होंगे. एडमिशन तक ही आपको ऑब्वियसली ये पहले चीज़ें करानी पड़ती हैं क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी डिमांड करती है, एम्बेसी की भी ये रिक्वायरमेंट है. सो सर्टिफाइड आपके डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट. 14,250 यूरो कम से कम एक साल का ये खर्चा आपने शो करना है और ये आपको अपने बैंक में अकाउंट ओपन करना है और उसमें रखने हैं. फिर से बता दूं, नॉर्वे में एजुकेशन फ्री है, ज़ीरो ट्यूशन फीस है, थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होती है. ये आपको फाइनेंशियल मींस प्रूव करने हैं कि आप अपना खर्चा उठा सकते हैं और जब आप नॉर्वे पहुंच जाएं तो आप ये सारी रकम विदड्रॉ करा सकते हैं. लेकिन ये अमाउंट आपको चाहिए होगी अगर आप स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं नॉर्वे के लिए. तो उसके बाद बात कर लेते हैं अकोमोडेशन. नॉर्वे में पढ़ने के लिए अकोमोडेशन एक मेन रिक्वायरमेंट है. सो जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वो साथ ही आपको ऑप्शन देते हैं यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन का. मेक श्योर कि वो ऑप्शन लें क्योंकि प्राइवेट अकोमोडेशन नॉर्वे में बहुत महंगी है. सो जब आपने ले लेनी है तो उसका आपको मिल जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा अकोमोडेशन का, वो अपने साथ लगा देना. और सबसे लास्ट चीज़ डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट. जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो फॉर्म, वो आगे चल के मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताता हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है. उसके साथ आपको एक डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट मिलेगी जिसको आपने फिल करना है. वो प्रॉब्लम इसलिए कराते हैं कि इसमें नॉर्वे में आपका कुछ आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं, आपने सारे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही भेजने और उसके ऊपर ही आपको वीज़ा मिल जाता है. सबसे पहले आप गूगल में नॉर्वे इन पाकिस्तान लिखेंगे. नॉर्वे इन पाकिस्तान की जब वेबसाइट सामने आए तो ये वीज़ा की कैटेगरी है विजिटर एंड रेजिडेंस परमिट चूज़ करें. जब 3 महीने से ज़्यादा जाना हो तो रेजिडेंस परमिट चूज़ करते हैं. इसमें ये कैटेगरीज में से फिर रेजिडेंस परमिट पे क्लिक करें और रेजिडेंस परमिट की जब आप वेबसाइट पर खोलेंगे तो आपको ये सारे स्टेप बिफोर यू अप्लाई, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, और ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी. इनको आप बिफोर यू अप्लाई में जाएंगे तो जो वीज़ा प्रोसेस करते हैं वो UDI, इनकी जो वेबसाइट है मेन UDI वेबसाइट, उसके ऊपर जाएंगे. एप्लीकेंट सिटीज़न पाकिस्तान, इंडिया, जो भी आपका है चूज़ किया आपने, इनमें ये डिफरेंट परमिट्स हैं, इनमें से आपने स्टडी परमिट चूज़ करना. स्टडी परमिट जब आप चूज़ करेंगे दो तरह के, एक वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, एक दूसरा है आपने स्टडी परमिट यूनिवर्सिटी के लिए चूज़ करना है. और इसमें से सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये आपने चूज़ कर लिया. जो ही आप करेंगे आपको सबसे पहले वो बोलेगा कि एप्लीकेशन फ़ीस पे करें, जो सबसे पहला मेन स्टेप है. अपने एप्लीकेशन फ़ीस करनी है तब आप अपना लॉगिन वगैरह बना सकते हैं. ये आप देख सकते हैं 5,400 नॉर्वेजियन करोने, ये इसकी फ़ीस है. रेजिडेंस परमिट की काफ़ी ज़्यादा ये फ़ीस बनती है. इसको अगर आप कन्वर्ट करके देखें तो जो 5,400 नॉर्वेजियन करोने, ये 542 यूरोज़, तो ठीक ठाक अमाउंट है ये. लेकिन ये आपको करनी ही पड़ेगी आप वीज़ा प्रोसेस करने से पहले. ये रेजिडेंस परमिट अगर आपका नॉर्वे में अप्लाई करना हो तो 540 उसकी फ़ीस होती है. फ़ीस के बाद आप जनाब दोबारा से जब वापस आ जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है, हाउ टू अप्लाई पे आप जाएं. दोबारा से आपने क्या आप नॉर्वे से कर रहे हैं या बाहर से कर रहे हैं तो आपने नो का चूज़ करना, नो अप्लाई फ्रॉम अब्रॉड. दोबारा से कंट्री अपना चूज़ करेंगे जिधर से कर रहे हैं, पाकिस्तान आपने चूज़ किया.
इसमें तीन सिंपल सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले आपको एक चेकलिस्ट दी गई है जो कि मैं आपके साथ सारी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल करना है, और तीसरा डॉक्यूमेंटेशन आपने हैंड ओवर कर देने। ये तीन बेसिक इसके स्टेप हैं। मेक श्योर करें अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को पहले चेक कर लें। जो मैंने चीज़ें स्टार्ट में बता दी थी कि आपको अपना पासपोर्ट, फ़ोटोज़, कवर लेटर, जो आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, CNIC, फैमिली सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें चाहिए। दो जो मेन इसमें डॉक्यूमेंट होते हैं, आपने अपने सफिशेंट लिविंग एक्सपेंस का डॉक्यूमेंट्स देना, और जो अकोमोडेशन आपको मैंने कहा था कि आपको पहले बुक करनी है उसका प्रूफ। इनके बिना आप एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते। सो, जब आपने ये सारी चीज़ें देख ली कि आपकी पूरी हैं, चेकलिस्ट आपने चेक कर ली, इसके बाद आ जाते हैं इनकी, अगर आपने फर्दर डिटेल देखनी हो कि इसको कैसे और किस तरह करना है, तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, अब आप जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। उसके लिए जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग से लॉगिन बनाना पड़ेगा। उसमें आप उसका ईमेल और पासवर्ड, ऑब्वियसली आप नए यूज़र हैं तो आप साइन अप करेंगे पहले, जैसे कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम को साइन अप करते हैं। उसमें आप जाके आप अपना नेम, डिटेल, एड्रेस, फैमिली, यूनिवर्सिटी, ये सारी जो जो चीज़ें होंगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपने स्टेप बाय स्टेप फिल करनी है। इंग्लिश में ही फॉर्म है, ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ें होंगी जो आपको फिल करनी है। ये आपको किसी जर्मनी की तरह एम्बेसी में नहीं जाना। डॉक्यूमेंट्स आपके VFS, अगर आपने कभी कोई वीज़ा अप्लाई किया पाकिस्तान से तो आपको पता होगा कि VFS ग्लोबल क्या है। उनका नंबर मेंशन है, पाकिस्तान का नंबर मेंशन है, आप उनको कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। यूजुअली फ्रीक्वेंट अपॉइंट अवेलेबल होती हैं। आसान तरीका यह है कि उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, उसी तरह अपना एक लॉगिन न्यू यूज़र के साथ बनाएं, उसमें आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जब देंगे तो इनका जो मेन पेज खुलेगा उसके ऊपर लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन सी अपॉइंटमेंट अवेलेबल हैं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग रेडी है, तो डोंट डिले, सीधा आप VFS के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और उनको जो भी आपके नज़दीक सेंटर है उसके ऊपर वो सेंड कर दें। प्रोसेसिंग टाइम अगर आप देखें या रिज़ल्ट देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि यू विल बी नोटिफाइड बाई ई मेल और टेलीफोन व्हेन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोसेस। द रिज़ल्ट कैन बी पिक्ड अप एट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। और जब आपका अगर वीज़ा लग जाएगा तो उसके ऊपर आपके पासपोर्ट के ऊपर आपको वो स्टिकर पेस्ट हो जाएगा। स्टिकर पेस्ट होने के बाद आप VFS से ही जाके अपना वो पासपोर्ट रिसीव कर लेंगे, और ये ही आपकी मेन चीज़ है। खुदा ना हास्ता, मोस्टली नॉर्वे के केस में वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, वीज़ा रेशो बहुत हाई, अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो 90% प्लस वीज़ा रेशो है। लेकिन अगर इन केस अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अपील का चांस होता है, जिसमें आप लिख सकते हैं कि क्यों आपको लगता है कि दिस इज़ इट। एज यू कैन सी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ एक आपका लैपटॉप और एक आपका क्रेडिट कार्ड। ये चीज़ें अगर आपके पास हों तो ये आप सारा प्रोसेस खुद से कर सकते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि जो आगे वीडियो और आगे प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसमें आपको पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्टे कनेक्टेड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।